मैडम निम्पानी। हाय फ्रेंड्स, रात को हम कल बारबेक्यू पार्टी होते होते बहुत लेट हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों तो आके अपनी वैन में सोएंगे और किड्स और पेरेंट्स जाके हमारे फ्रेंड्स के घर में सो गए। रात को हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी क्योंकि हमारी वैन अच्छे से इंसुलेटेड हो रखी है। अभी आपको थोड़ी देर में हम बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बाहर बहुत ही सुंदर लग रहा है, वेदर बहुत अच्छा है। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है आलू पराठा। लास्ट इवनिंग हमारे फ्रेंड ने हमारे लिए बहुत अच्छी बारबेक्यू पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, तो आज हमारी बारी है उनको गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करवाने की। आलू पराठा नॉर्दर्न इंडिया का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, और आपको पता है कि आलू इंडियन वेजिटेबल ही नहीं है। इसको 5000 BC से भी पहले सदर्न अमेरिका में उगाया जाता था और 1675 में पोर्टुगल इसको इंडिया लेकर आए। पोर्टुगीज आलू को पटाटा बोलते हैं, इसी वजह से कई जगह इंडिया में अभी भी आलू को पटाटा बोला जाता है। आलू पराठा विद मलाई दीपक का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग लेह सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। लेह मार्केट एक बहुत ही प्राचीन मार्केट है जो कि 15th सेंचुरी के राजा सिंगे नामग्याल के टाइम से है। यह मार्केट स्मॉल लेन्स बाय लेन्स में डिवाइडेड है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, स्पाइसेस, क्लोथ्स, आर्टिफैक्ट्स, फूड, सुवेनियर और ज्वेलरीज के अलग अलग सेक्शन हैं। यह लेह सिटी का मेन अट्रैक्शन है और लेह की सबसे बिजीएस्ट और कलरफुल जगहों में से एक है। इस मार्केट में सब कुछ जैसे ग्रोसरीज, क्लोथ्स, ज्वेलरीज और लोकल स्ट्रीट फूड मिलता है। यहाँ पर हाथ से बुने हुए वुलन क्लोथिंग्स बहुत ही फेमस है। लेह मार्केट में शॉपिंग करने के लिए फेमस स्पॉट्स हैं मोती मार्केट, वुमेन्स अलायंस ऑफ लद्दाख शॉपिंग हब, जानस्कार आर्ट्स, मेन बाजार, हिमालयाज पश्मीना शॉल्स, लद्दाखी एप्रिकॉट स्टोर्स, तिब्बतन हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम, दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम। ले मार्केट को घूमते हुए हम आगे बढ़े शे पैलेस के। शे पैलेस ले से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर लोकेटेड है। यह किंग ऑफ लद्दाख डेल्टन नामग्याल ने 1655 में अपने पिता की याद में बनाया था। शे पैलेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1842 में डोगरास के लद्दाख में आक्रमण के दौरान इस पैलेस को यहां के वंशज नामग्याल्स ने खाली कर दिया था।
तिब्बतन ट्रेडिशन के अनुसार इन प्रेयर व्हील्स को मिनिस्ट्री में जाते हुए रिवॉल्व करते हुए जाना होता है। इस व्हील के ऊपर तिब्बतन लैंग्वेज में मंत्र लिखा होता है जो है ओम मणि पद्मे हम। प्रेयर व्हील बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। यह सिलिंड्रिकल शेप का होता है। यह वुड, मेटल या स्टोन का बना होता है। इसके अलावा उसके ऊपर 8 ऑस्पिशियस सिंबल बने हुए होते हैं जिनको अष्टमंगला भी कहा जाता है। प्रेयर व्हील के सेंटर में कोर होता है जो लाइफ ट्री को दर्शाता है। यह कोर वुड या मेटल का बना होता है। उसके ऊपर भी मंत्र लिखे होते हैं। आते रहते हैं। जय जय सिंह। रो ये दोस्ती अमर रहे। ये दोस्ती अमर रहे। वीडियो क्या कर रहे हैं? खुशियां बनी रहे, एंजॉय होता रहे। आजकल के न्यूक्लियर फैमिली के जमाने में यह बहुत जरूरी है कि ऐसी फैमिली वेकेशन साथ में होनी चाहिए जिससे जनरेशंस में कम्युनिकेशन गैप न रहे और सब इमोशनली अटैच हो। बुद्धिज्म के अनुसार इन प्रेयर व्हील्स को एक बार घुमाना एक बार मंत्र पढ़ने के बराबर। इससे पॉजिटिविटी जैसे गुड कर्मा आते हैं और नेगेटिविटी जैसे बैड कर्मा दूर चले जाते हैं। इनको सन की डायरेक्शन की तरह क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। क्या आते हैं? पैलेस में एक मंदिर है जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे दिए एक साथ जल रहे थे। लोकल से पूछने पर पता चला कि इन दियों को साल भर लगातार जलाया जाता है। हमने भी अपने आप से दिया जलाने की कोशिश की लेकिन हम उसको सही से नहीं कर पाए। हमें देखकर लोकल्स हमारी हेल्प के लिए आगे आ गए। धन्यवाद। इस पूरा ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कर बात के बराबर ऊपर बराबर होना चाहिए। अच्छा इस मंदिर में एक अलग सी शांति थी जो कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रता को दर्शा रही थी। लेह की अलग ही नेचुरल ब्यूटी नजर आती है। यहाँ पर बनी हुई शाक्य मुनि बुद्धा स्टैचू बहुत ही फेमस है जो कि कॉपर और गोल्ड की बनी हुई है। शे पैलेस को घूमने के बाद हम चल दिए अपने फ्रेंड रेंचो को ढूंढने के लिए ड्रूक पद्मा स्कूल जो कि लेह से 16 किलोमीटर दूर है। उनका फेमस नाम है रेंचो स्कूल। यह स्कूल 18 इयर्स पुराना है। स्कूल में एक रेंचो वॉल है जिसमें मूवी का एक फेमस सीन पेंट किया हुआ है। यह मूवी सबके लिए इंस्पिरेशनल मूवी है बिकॉज ऑफ दिस फेमस डायलॉग। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लद्दाख आए और वहाँ का ट्रेडिशनल अटायर ना पहना तो कुछ अधूरा रह जाता। इसलिए आज मेरी बारी थी इस ड्रेस को पहनने की। ज्यादा ज्वेलरी के नहीं, ज्वेलरी चाहिए ज्यादा। ये करने का एक नोबल कॉज भी था क्योंकि इसके चार्जेस का कुछ परसेंटेज स्कूल के लिए जाता है। सिल्क रूट डेज के टाइम से लद्दाख एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा है। इसलिए यहाँ अलग अलग कम्युनिटी और ट्राइब्स के अनुसार ड्रेसेस और ज्वेलरी का फ्यूजन है। मोटी लग रही होंगी इतनी इसमें हेल्दी हेल्दी। अच्छा, जो मैंने ट्रेडिशनल अटायर पहना है उसके तीन पार्ट्स हैं।
फर्स्ट है गोंचा, जो कि ट्रेडिशनल गाउन है, ज्वेलरी जिसको गाउ कहते हैं, और हैट जिसको टिपी कहते हैं। रेंचो स्कूल के बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। रास्ते में हमें बहुत सारे कलरफुल तिब्बतन फ्लैग्स दिखे। तिब्बतन फ्लैग्स रेक्टेंगुलर क्लॉथ से बने हुए होते हैं, जो कि हिमालयाज के रास्ते और पीक्स पर बंधे हुए दिखते हैं। यह फ्लैग्स दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लैग्स जिनको लुंगटा या विंड हॉर्स कहते हैं, और वर्टिकल फ्लैग्स जिनको दारचोक या फ्लैग स्टाफ कहते हैं। लुंगटा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जो एक लंबे थ्रेड में बांधे जाते हैं। इनको डायगोनल लाइन में हाई से लो ऑब्जेक्ट की तरफ बांधते हैं। दारचोक बड़े रेक्टेंगुलर फ्लैग है, जो कि एक कोन के साथ वर्टिकली लगे होते हैं, जैसे कि ध्वज होते हैं। यह फ्लैग्स 5 कलर्स के होते हैं, जो कि 5 तत्वों का प्रतीक है। इनका सीक्वेंस है, सबसे पहले नीला जो आकाश को दर्शाता है, सफेद वायु को दर्शाता है, लाल आग को दर्शाता है, हरा पानी को दर्शाता है, और पीला जो धरती को दर्शाता है। इन्हीं 5 तत्वों के संतुलन से हमारी जिंदगी में शांति, सद्भाव, करुणा, शक्ति और ज्ञान का विकास होता रहता है। हिमिस मॉनेस्ट्री लेह से 45 किलोमीटर दूर हिमिस में इंडस नदी के वेस्टर्न बैंक्स में सिचुएटेड है। लद्दाख की सबसे प्राचीन मॉनेस्ट्री है, जिसको 1672 में लद्दाखी किंग सेंगरे नामग्याल ने एस्टैब्लिश किया था। यह मॉनेस्ट्री लद्दाख की बाकी मॉनेस्ट्रीज से सबसे अलग, प्रभावशाली और दिलचस्प है। आप लोग कहाँ से? हम आए उत्तराखंड से। उत्तराखंड? हाँ, देहरादून। देहरादून से? यहाँ की दीवारें रिलीजियस फिगर्स की पेंटिंग से डेकोरेट की गई। यहाँ पर एक प्रार्थना हॉल है, जिसे तुखांग कहते हैं, और एक मंदिर है, जिसे सोखांग कहते हैं। मॉनेस्ट्री में एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी है, जहाँ पर स्टूपास और गोल्ड स्टैचूज का कलेक्शन है। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम म्यूजियम को नहीं दिखा पाए। इस मॉनेस्ट्री में यंग लामास को ले और शे की रॉयल मिनिस्ट्रीज के लिए ट्रेन किया जाता है। हर साल जून जुलाई में एक बड़ा त्योहार होता है, जो लॉर्ड पद्मा संभवा को डेडिकेटेड होता है। इतना घूमने के बाद हम सभी बहुत थक गए थे, और जब बच्चों को पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उनका रिप्लाई ये है, मजा रहे? हाँ? मजा रहे? नहीं मोमोज सबका पसंदीदा स्नैक है, जिसको कभी कोई खाने के लिए मना नहीं करता। स्टिल किसी को अगर पसंद नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा।
लंच के बाद हम निकल पड़े टिक्से मॉनेस्ट्री की तरफ। यह ले से 19 किलोमीटर दूर है। यह मॉनेस्ट्री गलुक सेक्ट से एफिलिएटेड है। इसका स्ट्रक्चर लासा के कोटाला पैलेस से मिलकर जुलता है और यह सेंट्रल लद्दाख का सबसे बड़ा गुफा है। यह एक बहुत बड़ा 12 स्टोरीज का कॉम्प्लेक्स है जिसमें गर्ल्स मॉन्क्स के लिए अलग से प्लेस है। इस मिनिस्ट्री में 15 मीटर ऊंचा मैत्रेय बुद्धा का स्टैच्यू है जिसको 1970 में 14th दलाई लामा ने इनॉग्रेट किया था। तिब्बतन बुद्धिज्म में दो मेजर सेक्ट है जो है गलुक और न्यगमा। गलुक मॉन्क्स येलो हैट्स पहनते हैं। इस सेक्ट के फेमस मॉन्क्स हैं दलाई लामा एंड पंचेन लामा। डिग्मा मॉन्क्स रेड हैट पहनते हैं और यह एक बहुत पुराना सेक्ट है जो 8th सेंचुरी से भी पहले से चला आ रहा है। इसके फेमस मॉन्क हैं लॉर्ड पद्मा समुद्र। देख, बहुत बढ़िया। आकांक्षा कहाँ है? कहाँ क्या एक आकांक्षा नाम क्या है? क्या नाम सर? आकांक्षा। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ गए और रात को बच्चों ने स्नैक्स बनाने में मेरी हेल्प की। हमारा मानना है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चों को स्टडीज के साथ साथ बेसिक हाउसहोल्ड वर्क भी आना चाहिए सो दैट वो कॉन्फिडेंट हो और किसी पर भी बेसिक नीड्स के लिए डिपेंड ना करें। ये कर रहे हैं। बच्चे कौन से? आशा है कि आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। वी विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल आल्सो लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। विल बी बैक सून। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।